वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चमोली में शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। 7 सितंबर तक करीब 1734 सैनिकों के आंगन की मिट्टी को सैन्य धाम में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा किया जाएगा। दरअसल देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण करवाया जा रहा है। ये यात्रा 13 जिलों से होकर गुजरेगी। अपने संबोधन के दौरान नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड के जवान देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब चार धाम सड़क 12,000 किलोमीटर की खर्च करके बन रही है ऑल वेदर रोड, तो हमारे मोदी जी ने कहा कि जब तक सैन्य धाम नहीं बनेगा तब तक उत्तराखंड की वीर भूमि का हम सही तरीके से आदर नहीं कर पाएंगे, इसलिए भव्य सैन्य धाम बनना चाहिए। इस बात को भी जोड़ा गया और इस काम को आगे बढ़ाया गया। मित्रों, अगर हम बात करें तो कर्णप्रयाग के लिए भी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग के लिए भी रेलवे लाइन का 100% लैंड एक्विजिशन का काम हो गया है। अब उस काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।